कमाल है, नई सियासत के न्यू इंडिया का कमाल, कि जनता के अमन चैन में आग लगाने का आरोपी, धार्मिक दंगे भड़काने का आरोपी, धोखे से फर्जीवाड़ा करके जमीन जायदाद हड़पने का आरोपी, गैर कानूनी तरीके से हथियार लहराने का आरोपी, आपराधिक साजिश रचने का आरोपी, सरकारी अफसर पर हमला बोलने का आरोपी रामकृष्ण की बात करता है, त्याग तपस्या की बात करता है और भारत के आध्यात्मिक इतिहास पर प्रवचन देता है। उसी धरती पर बाबर और अकबर का भी अवतरण हुआ और उस बाबर और अकबर का अवतरण हुआ जिन्होंने हिंदुस्तान में जितना अत्याचार किया जा सकता था उतना अत्याचार किया। ये तो पता ही नहीं था कि खतौली के केके जैन इंटर कॉलेज से 12वीं पास की डिग्री से लैस बीजेपी के माननीय विधायक श्री संगीत सोम दरअसल इतिहास में पीएचडी की योग्यता रखते थे। वो तो बुरा हो इस देश के शिक्षा व्यवस्था का जिसने इतने होनहार विद्वान की अंतरतम में जारी प्रतिभा के विस्फोट को डॉक्टरेट से नवाजा नहीं, वरना बंदे का इतिहास बोध देखकर रोमिला थापर और अर्जुन देव जैसे इतिहासकार अपनी पढ़ाई लिखाई में आग लगाकर उनके चरणों में लेट जाते। बहुत लोगों को बड़ा दर्द हुआ कि आगरा का ताजमहल ऐतिहासिक स्थलों में से निकाल दिया गया। कैसा इतिहास, कहां का इतिहास, कौन सा इतिहास, पता नहीं पूछ रहे थे या बता रहे थे, लेकिन बात सही कर रहे थे। 12वीं की किताबों में इतना विस्तार से पढ़ाया नहीं जाता। अफसोस की बात ये है कि जिन्होंने इतिहास की व्यवस्थित पढ़ाई तक नहीं की है वो लोग इतिहास पर लानतें भेज रहे हैं, उसे बदलने की गारंटी ले रहे हैं। ऐसे लोगों का अगर आज भी इतिहास में नाम होगा तो ये दुर्भाग्य की बात है और मैं गारंटी के साथ आपसे कहता हूँ कि इतिहास बदला जाएगा। संगीत सोम ने अनौपचारिक उत्सुकता के तहत भी 12वीं से आगे की किताबें पढ़ी होती तो उन्हें पता रहता कि इतिहास इतिहास होता है, वो किसी के बदल देने से बदलता नहीं है, वो अच्छा या बुरा, गंदा या महान, ईमानदार या बेईमान भी नहीं होता। लेकिन संगीत सोम के लिए भारत का इतिहास अब शुरू हुआ है, न्यू इंडिया के नारे के तहत बदलाव का इतिहास। आज उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की सरकार उस इतिहास को सही रास्ते पर ले जाने का काम कर रही है। हमने तो सुना था कि इतिहास इतिहासकार लिखते हैं, लेकिन अब पता चला है कि न्यू इंडिया में इतिहास इतिहासकार नहीं लिखते, सरकार लिखती है और संगीत सोम जैसे इतिहास के 12वीं पास मर्मज्ञ उसे बदलने की गारंटी लेते हैं। ताजमहल को मटिया मेट करने के कुंठा में संगीत सोम धमकी पर उतर आए, आगे जो लोग संगीत सोम जैसे विद्वानों की विद्वता पर संदेह करेंगे उनके लिए धमकी से लैस ये आदेश। आप लोगों से कहना चाहता हूं शांति के साथ इसमें सरकार का साथ दीजिए, सरकार के साथ खड़े रहिए। तो हिंदुस्तान के विश्वविद्यालयों में सारे शोधों को स्थगित कर दिया जाना चाहिए। इतिहास को जिंदगी बना लेने वाले इरफान हबीब, रामशरण शर्मा, बिपिन चंद्रा, रामचंद्र गुहा, पड़िक्कर सरकार में काफ मजूमदार की बरसों बरसों की साधना को खारिज कर दिया जाए और संगीत सोम की कलम से न्यू इंडिया के नए इतिहास का प्रादुर्भाव। भारतीय जनता पार्टी को अपना इतिहास खुद पढ़ लेना चाहिए। अब वो आंख मूंद लें तो दुनिया में अंधेरा थोड़े छा जाएगा। वो एक बहुत ही संकीर्ण सोच के लोग हैं। आपने बाबरी मस्जिद डाल दी, सब भाजपाई लगो, ताजमहल और लाल किले को भी तोड़ डालो। संगीत सोम की महानता पर इतिहास के कोने से टिप्पणी तो क्या आती। बड़ी अफसोसनाक और शर्मनाक बात यह है कि एक शख्स जो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पर ओथ लिया है वो सिर्फ अपने गुरूर, तकब्बुर और जहालत का इजहार कर रहा है। अगर ताजमहल को इन्वेडर्स ने बनाया तो फिर लाल किले को किसने बनाया, फिर क्यों मोदी लाल किले से तिरंगा लहराते हैं तो बंद करा दिए तिरंगे से तिरंगा लहरा लाल किले से। हैदराबाद हाउस इन्हीं क्या हैदराबाद हाउस भी अगर मान लिया गद्दारों ने बनाया तो फिर क्यों मोदी वहां पर बड़े फॉरेन डिग्नेटरीज को ओबामा को मिलाए, ओबामा को बिठाकर चाय पिलाए हैदराबाद हाउस में, तो गद्दारों की जगह पे क्या है। दुनिया के लोग सुनेंगे कि जिस ताज पर वो मोहब्बत की यादगार समझकर आहें भरते रहे हैं उसे लेकर भारत के नेताओं का दिल इतनी नफरत से भरा हुआ है कि वो अपने इतिहास की कदरदानी ही छोड़ चुके हैं तो पता नहीं उन पर क्या गुजरेगी। लेकिन 12वीं पास संगीत सोम के जुबान से निकले ऐसे ही आख्यानों पर इन दिनों न्यू इंडिया में विकासवादी राजनीति की गगनचुंबी पताकाएं लहराई जा रही। आज तक ब्यूरो।
अजीब जख्म जख्म सा चेहरा है। संगीत सोम अकेले नहीं, केवल 10 दिन पुरानी बात है, यूपी सरकार में एक मंत्री हैं लक्ष्मी नारायण चौधरी। वो तो संगीत सोम से भी एक कदम आगे निकल आए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भी ताजमहल को 7 अजूबों में शामिल किया होगा, उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं रही होगी। ताजमहल को एक राजा ने मोहब्बत के उसमें बनवाया, ताजमहल इसके अलावा और क्या है? तो और क्या होना चाहिए? गनीमत है ये नहीं कहा ताजमहल ताजमहल नहीं तेजो महल था। इसके लिए उत्तर प्रदेश के दुग्ध विकास, धर्मार्थ कार्य, संस्कृति एवं अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी को मुबारकबाद पेश कीजिए। लेकिन इसके बाद उन्होंने जो कहा उसे सुनकर दुनिया के 7 अजूबे तय करने वाले स्वर्ग, नर्क, धरती, चांद, अंतरिक्ष जहाँ कहीं भी होंगे चकरा कर गिर जाएंगे। कहा ताजमहल को हटाओ, बाबा गोरखनाथ मंदिर को अजूबों में शामिल। भारतवर्ष में और उत्तर प्रदेश में इस समय ये जो सरकार है ये राष्ट्रवादी सरकार है, इसलिए गुरु गोरखनाथ पीठ को शामिल किया ही जाना चाहिए मंत्री, और ताजमहल को निकाला ही जाना चाहिए। हो गया काम, इतिहास का, वास्तुशिल्प का, गौरव का, पर्यटन का, रोजगार का। वैसे काम तो 4 दिन पहले ही हो गया था जब सरकार ने सूबे के गौरवशाली पर्यटन स्थलों की एक बुकलेट जारी की थी। इस बुकलेट से ताजमहल को उड़ा दिया गया था और गोरखनाथ मठ में अपार संभावनाएं देखी गई थी। लोगों ने भारत की परंपरा को जोड़ दिया ताजमहल के साथ। ताजमहल एक पर्यटक स्थल हो सकता है लेकिन भारत की पूर्ण पहचान हो मैं नहीं मानता। कहीं ऐसा न हो कि यूपी के मिनिस्टर साहब यूनेस्को को चिट्ठी लिख दें, अजूबों से ताज को हटाइए, हमारे गोरखनाथ मठ को बनाइए। हंस क्यों रहे हैं, यहाँ क्या नहीं हो रहा है? आज तक ब्यूरो। तो जिस ताज को लेकर नफरत की राजनीति की जा रही है, उस ताज की खूबसूरती की मुरीद